सेकंड चैनल का आप बहुत सारे सब्सक्राइबर माशाल्लाह सब पर तकरीबन कॉन्टैक्ट जारी है। तकरीबन 3 महीने मैं बीमार था, काम वगैरह स्टार्ट हो चुका है जो हजरत भी ना चाहते, हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद 1 हफ्ते तक आईसीयू में बेंगलुरु के ही हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। हमेशा कामयाब और कामरान बनाए हर आफत मुसीबत बलाओं से। अस्सलाम वालेकुम तल्लाहि बरकातहू तमाम दोस्तों को आसान हमजा सब के लिए मैं तेजिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रशीद शाह कादरी, दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ दोस्तों, और बहुत सारे सब्सक्राइबर को ये बात नहीं मालूम है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप मेरी तरफ से अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ, और ताकि आप देख भी रहें कि मेरी हालत और थोड़ा सा मैं हालत मेरी देख रहे होंगे कैसी है। खैर अल्लाह का शुक्र है, आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआओं का नतीजा है, बुजुर्गों का करम है और मेरे प्यार सब जो सब सब्सक्राइबर्स और जो मेरे दोस्त अहबाब मुरीदीन माशाल्लाह जो भी मेरे साथ थे मेरे अपने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मामला ये है, मसला ये है कि पिछले 3 से 4 महीने से हमारे चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड नहीं हुई जैसा कि आप जानते हैं कि, और कई मेरे भाइयों बहनों की रिक्वेस्ट थी कि हजरत साहब हमें मोहब्बत का अमल बताया जाए, हजरत साहब हमें बुक्स का अमल बताया जाए, हजरत साहब हमें फलाना अमल बताया जाए। तरीक़ा कई माशाल्लाह आपको ये रिक्वेस्ट माशाल्लाह मेरे पास है, मैसेजेस हैं, तकरीबन कई महीनों के बाद 2-3 महीनों के बाद जवाब भी दिया हूँ। अभी बातचीत भी मेरी व्हाट्सअप पर तकरीबन कॉन्टैक्ट जारी है, नंबर भी मेरा वही है और माशाल्लाह भी मैंने अमल स्टार्ट किया हूँ और काम भी कर रहा हूँ। और नहीं होने की वजह, वीडियो नहीं आने की वजह ये है, तकरीबन 3 महीने मैं बीमार था और बीमारी की वजह थी, जिस्मानी बीमारी थी मुझे, था कि जो सारे यहाँ पर मुझे पानी वगैरह ये इससे में पानी जम गया था फेफड़ों में लंग्स वगैरह में, उसके बाद 2-3 महीने ये चला, फिर खान का मसला था, कुछ कुछ मामले ऐसा चले 2-3 महीने तक कंटिन्यू मामला ऐसे था कि उसके बाद हार्ट का मसला हुआ और ये हुआ कि हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद 1 हफ्ते तक आईसीयू में बेंगलुरु के ही हॉस्पिटल में मैं एडमिट था कि होश नहीं था मुझे और मामला ज़रा बहुत ही सीरियस हो गया था। बाद में फिर आप लोगों की दुआएं थी जो माशाल्लाह आपने हमेशा जो लोग मुझे दुआएं दें उनकी दुआएं काम आई, अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है उनकी इतायत से, और जो मेरे अपने थे वो भी मुझे काम आए, और मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे जानने वाले चाहने वाले मुरीदीन वो भी मेरे वक्त पे मुझे काम आए, उन्होंने वक्तिया मदद कुछ भेजी और माशाल्लाह मुंबई वाले, शोलापुर वाले, हैदराबाद वाले, बेंगलुरु वाले, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लूँगा तो वो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे इस वजह से, तो मैं जानता हूँ माशाल्लाह उन सभी के लिए मैं बहुत दुआएं किया हूँ, सभी के लिए अल्लाह ताला उन सबके दर्जात बुलंद फरमाए, सबकी घरों में हर मुसीबत हर बीमारी बला से इनकी हिफाज़त फरमाए, बच्चों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, बड़ों को शिफा, बड़ों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इल्म की दीन की दुनिया की दौलत नसीब फरमाए, हमेशा कामयाब और कामरान बनाए, हर आफत मुसीबत बलाओं से हिफाजत फरमाए, मेरी बहुत दुआएं और सभी के लिए हमेशा मैं दुआएं करता हूँ। तो दोस्तों मामला यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद मैं बीमार रहा, फिर मुझे एक्चुअली ये हुआ कि हार्ट में वॉल जो है ब्लॉक हो गया था, तो उसके बाद वो कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ, उसके अल्लाह का शुक्र है अभी मेरी तबीयत ठीक है, जैसा आप मुझे देख रहे हैं थोड़ा सा असलिम हो चुका हूँ और अपडेट भी हो चुका हूँ। तो उसके बाद पढ़ाई मेरी रुक गई थी और अमल भी मेरे रुक गए थे, जाहिर है तो जवाब भी नहीं दे रहा था, वीडियो भी नहीं आए। हफ्ते महीने गुजरने के बाद माशाल्लाह अभी दवाई चल रही, तो अभी रेस्ट का 1 महीने का रेस्ट का मामला है वो भी चल रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं इतना तो मैंने पढ़ाई अमल वगैरह दोबारा शुरू कर दें, जिन हजरात के भाई बहन के काम मुझे जिन लोगों ने दिए थे उनके काम भी मैं किया हूँ माशाल्लाह, स्टार्ट कर दिया हूँ दोबारा से, इनके काम कर रहा हूँ, करके दे रहा हूँ। अगर और जो जिनके जवाब नहीं दे सका तो ये मामला था, ये मसला था, इस वजह से मैं जवाब नहीं दे सका, तो आप मुझे गलत ना समझे, तो माजरात आपसे। और जो हजरात मुझे काम दे चुके थे, काम कर रहे थे, उनके काम माशाल्लाह तकरीबन हो चुके हैं, काम दोबारा अमल काम वगैरह स्टार्ट हो चुका है, जो हजरात देना चाहते थे वीडियोस नहीं आए इस वजह से काम नहीं दें, वो चाहे तो माशाल्लाह मुझे दे सकते हैं, व्हाट्सअप के जरिए कॉन्टैक्ट करें, कॉल्स अटेंड नहीं होती, बाज़ वक्त जो है ना नेटवर्क प्रॉब्लम होता है मेरे टोन में, और माशाल्लाह बाज़ वक्त बात भी कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, फुल टाइम अब आपके लिए वक्फ कर रहा हूँ माशाल्लाह कि सुबह शाम कभी भी माशाल्लाह आपके लिए वक्फ है, तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपने मसले मसाइल बता सकते हैं, जो भी आपका मसला हो या वीडियो के मुतालिक हो या आपके कोई इलाज का मुतालिक हो, जो भी मामला हो अल्लाह के करम से अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह इन चीज़ों में ज़रूर हम कोशिश करेंगे, अल्लाह कामयाबी देगा। तो दोस्तों ये मेरी थोड़ी सी तफसील थी, इस वजह से वीडियो से नहीं आया, इंशाल्लाह इसके बाद जो जो आपके मेरे प्यारे भाई बहन सब्सक्राइबर्स के जो रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह उन रिक्वेस्ट पर भी वीडियो बनाऊँगा,
और मुझे बताइए इंशाल्लाह आपको कैसे वीडियोस चाहिए, बस व्हाट्सअप पे एक मैसेज कर दें इंशाल्लाह। व्हाट्सअप सारे चेक कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ अल्लाह के करम से, तो दोबारा आपको इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट पर वीडियो भी मैं बनाकर जल्दी अपलोड करता रहूँगा। और इंशाल्लाह जो सिलसिले का जो तरीका जो खादिर सिलसिला, बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे पुराने जानते हैं कि मैं खलीफा हूँ, खादरी सिलसिले से ताल्लुक़ है, मैंने इस बारे में भी बताना चाह रहा था इंशाल्लाह लेकिन बता नहीं सका। मेरा ये मामला जो है मेरे सेकंड चैनल के मुतालिक है, सेकंड चैनल का आप बहुत सारे सब्सक्राइबर माशाल्लाह तकरीबन 250 वगैरह सब्सक्राइब भी कर दिए हैं लोग, लेकिन उस पर वीडियो नहीं, सिर्फ इंट्रो मैंने डाला था, तो उस पर भी एक वीडियो मैंने एक दरगाह शरीफ का शूट किया हुआ है, तो दरगाह शरीफ का वीडियो तकरीबन 1 साल हो चुका है, तो वो भी अपलोड नहीं हुआ, उसका भी आधा तकरीबन काम नहीं कर दिया था, तो इस वजह से बीमार होने की वजह से वो भी नहीं, रोक दिया हूँ। तो इंशाल्लाह वो वीडियो अपलोड करूँगा उस चैनल पे इंशाल्लाह, मैं मेरा सेकंड जो शॉ व्लॉग चैनल है, तो उस चैनल पे इंशाल्लाह मैं अपने सिलसिले के मुतालिक भी सारी बातें आपको बताऊंगा कि सिलसिला मेरे पीर साहब कहाँ से है, हमारा मरकज़ कहाँ पर है, हमारा ताल्लुक सिलसिले का कैसा है, क्या है समा, किस तरह क्या है, जो सारी चीज़ें इंशाल्लाह उस चैनल पे बात होगी, इस पे अमलियात के मुतालिक बात होगी। और इसकी ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसके बाद सारी जो मैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो वक्त जो गुजरता है, जो मामला है आपके साथ शेयर करूं, आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे बताएं इंशाल्लाह, मैं जो है उस चैनल पे जो है माशाल्लाह कॉमन जो है व्लॉगिंग वीडियो डाल दिया करूंगा, आपको बता दिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें थी आपकी, बस आपको बताना चाहता था, आप अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह का शुक्र है, फजल है, करम है। समझ में तो बात यह आई, बहुत सारे लोगों मुझे ये बोला कि हज़रत साहब चैनल आप सामने से बता भी रहे हैं, और मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने भी मुझे कहा कि आप तो डायरेक्ट ही बताते हैं, तो आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। जी हाँ, अब अल्लाह जानता है कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है पता नहीं, लेकिन इतना ही कहूँगा, मानने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, उसका करम है, फजल है मालिक का, जब तक वो नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो बचपन से एक शेर सुना करता था मैं, तो दोस्तों वो शेर मुझे याद आ रहा, तो इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करूँगा, शायद आप भी वो शेर को बचते से जानते हैं। तो शेयर के साथ वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह, फिर आपके लिए अमल की वीडियो लेकर आऊँगा नेक्स्ट। तो शेर ये है, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और मुझे ज़रूर माशाल्लाह मैसेज व्हाट्सअप पर सलाम दुआ करते रहें, जो भी अपने बातें मामला इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अस्सलामु अलैकुम तल्लाह वबरकातुहु।